Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं द हिंदू को अपार्ट फ्रॉम द हिंदू जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हम सभी को हम कवर अप करते हैं. डजंट मैटर आप देश का कौन सा एग्जाम दे रहे हैं सभी एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे काफी कुछ है जो कि सीखने को मिलेगा और काफी सारे क्वेश्चन है जो कि आपको इसी में से मिलेंगे. काफी सारे नहीं इनफैक्ट आपको 100% जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे वो आपको इसी सेशन के अंदर से देखने को मिलेंगे. उम्मीद है कि आप इसे शेयर जरूर करते होंगे और ताकि सभी बच्चे जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ सके और अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सके. चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कल आपको दिए थे उसको लेकर और कल जो एक क्वेश्चन था उसका जो फर्स्ट वीक ऑफ मे का आंसर था वो पासवर्ड डे होगा है ना. तो उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. काफी सारे कमेंट बच्चों के आए हुए थे तो उन्होंने करेक्ट करवाया था पासवर्ड डे उसका आंसर था है ना. तो वो एक बार देख लीजिएगा. चलिए आगे देखते हैं. आज का पहला सवाल देखते हैं जो कि मैंने कल आपको दिया था. 36वीं फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है उसको किस स्थान के ऊपर आयोजित करवाया गया है ये आपको यहाँ पे बताना था. तो आंसर क्या होगा पोलैंड. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. सौरव घोषाल इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. तो सौरव घोषाल की बात करें तो ये कौन से स्पोर्ट्स है स्क्वैश है ना स्क्वैश. तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. What was the name of the last captive white tiger that died at the Sanjay Gandhi National Park? Sanjay Gandhi National Park कहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई और नाम क्या था बाजीराव. तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. What is the name recently launched fourth Scorpion class submarine? तो क्या नाम दिया गया था उसको वेला उसको नाम दिया गया था फोर्थ क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन का. आगे बात करते हैं. Which personality recently invested in Ola Electric Mobility? तो Ola के अंदर कोई नियर बाय 100 करोड़ के आसपास है जो कि किसने रतन टाटा ने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट करे हैं. ठीक है तो ओला क्या लेके आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लेके आ रहा है. तो रतन टाटा ने इसके अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि किया है. विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू सेंड अ प्रोब टू स्टडी द सन इन 2020. तो 2020 के अंदर जो है इसरो जो है दोस्तों अपना मिशन लेके आ रहा है. क्या नाम था उसका आदित्य है ना. प्रोब का नाम क्या था आदित्य है जो कि सन की क्या करेगा रिसर्च करेगा. Where was the 52 annual meeting of the EDB Board of Governors held during which they launched the action plan for healthy ocean? Action plan जो healthy ocean के लिए करी गई है ये कहाँ पे? नादी यानी कि फिजी के अंदर इसको करवाया गया है. आगे बात करते हैं. Which department has relaxed income tax rules in order to facilitate fundraising by the startups which is a part of the Startup India Vision 2024? तो पहले DIP पहले क्या था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये पहले किसका था DIPP का नाम हुआ करता था. अभी उसका नाम बदल के DPIIT कर दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है समझ गए बात को. ठीक है तो ये थोड़ा DIPP का जो है नया नाम है तो अलग डिपार्टमेंट मत समझिएगा दोनों एक ही डिपार्टमेंट है नाम बदल दिया गया है. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेम द कार्डिक सर्जन एंड ह्यूमैनिटेरियन हु वॉज ऑनर्ड विद द PC चंद्रा पुरस्कार रिसेंटली. तो डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आगे बात करते हैं देखते हैं जो कोड ऑफ द डे क्या है. हार्ड टाइम डजंट क्रिएट हीरोज इट इज ड्यूरिंग द हार्ड टाइम व्हेन द हीरोज विद इन अस इज रिवील्ड. तो सिंपल सी बात है यार जब भी हार्ड टाइम आता है तब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हीरो बनता है कोई. सिंपल सी बात है जब हार्ड टाइम आता है तब अंदर से जो है हीरोइज्म जो कि फीलिंग होती है वो आपको निकालनी होती है और हार्ड टाइम को टैकल करना होता है. इसीलिए बोलते हैं दोस्तों हार्ड टाइम कभी भी क्रिएट नहीं करता हीरोज. ड्यूरिंग द हार्ड टाइम जब हमते अंदर से एक हीरो जो है रिवील होता है हम मेहनत करते हैं परेशान होते हैं बहुत बार परेशान होते हैं लगता है कि ये तो हो नहीं पाएगा और फिर भी मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं टिल द लास्ट कोशिश करते हैं तब एक हीरोइज्म की भावना है जो कि निकल के आती है.
सिंपल सी बात है, डजंट मैटर दोस्तों कि रिजल्ट क्या हो रहे हैं किसी भी चीज के, रिजल्ट से तो दुनिया जो है वो जजमेंट करती है। अपने आप को जजमेंट करने का तरीका रिजल्ट नहीं होता है, आपकी मेहनत होती है, किस लेवल पे आपने मेहनत करी है अपनी चीज़ों को लेकर, जो आप चाहते हो जो आप पाते हो उसको लेकर कितने लेवल पे आपने मेहनत करी है वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसी से जो ये हीरोइज्म की जो भावना है वो पैदा होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भी ऐसा ही करेंगे, लास्ट टाइम तक जो है अपने अच्छे तरीके से अपना 101% देंगे जो भी आप काम कर रहे हो, डजंट मैटर प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है अपोजिशन की रिक्वेस्ट को, जो उन्होंने बोला था कि वीवीपैट के वेरिफिकेशन को बढ़ा दो, समझ गए। तो ये यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, थोड़े से वीवीपैट जो वेरिफिकेशन उसके लिए तो अलाउ कर दिया था, लेकिन अपोजिशन का कहना था कि नहीं आप ज्यादा करिए, ज्यादा वीवीपैट के वेरिफिकेशन करिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि बात एक ही है, चाहे 10 पे कराओ चाहे 100 पे कराओ। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कंप्लेंट जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ जो कंप्लेन करी गई थी, जो कि केस हार गई एक लेडी, तो कंप्लेनेंट ने बोला है कि ये जो रिपोर्ट है, जो ये बॉबडे रिपोर्ट है पैनल की, वो मुझे भी इसकी कॉपी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी कॉपी जो है वो मिलनी चाहिए, ऐसा कंप्लेनेंट ने कहा है, और आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि आगे क्या प्रोसीडिंग होती है। यहाँ पे बात करें तो कांग्रेस का पीएम को लेके यहाँ पे कमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये म्यांमार के दो जो जर्नलिस्ट है उनकी न्यूज़ है, वापस अपनी फैमिली से जुड़ चुके हैं 500 दिन जेल में रहने के बाद में, तो इनको अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे के पेजेस के अंदर, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, प्रियंका गांधी जी ने मोदी जी को दुर्योधन से कंपेयर किया है। इसके अलावा 2 ISC टॉपर्स ने 100 out of 100 स्कोर किया है। उड़ीसा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है फानी की वजह से। तो ये यहाँ पे फ्रंट पेज की न्यूज़ है, और दिल्ली के अंदर पीएम की रैली है आज, ये यहाँ पे डिस्कशन है। कुल मिला के फ्रंट पेज पे हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, 5 की तरफ। पेज नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दो न्यूज़ है, एक तो ये आर्मी वॉर्म को लेकर, और दूसरी बात करें तो यहाँ पे स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप को लेकर। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अपनी 3 टीमें इंडिया की जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट, मैंने बताया था आपको, और तो ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। तो ये बड़ी न्यूज है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो 3 टीम है जो कि यहाँ से अपने यहाँ से गई थी, और टीम साउथ इंडिया, जो टीम साउथ इंडिया है उसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने और इन्वायरमेंटलिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि एक डेडली पीस्ट है दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है उसका, फॉल आर्मी वॉर्म। तो ये दोस्तों फार्मर के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाला है, जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है उस वाले एरिया के अंदर क्रॉप सीजन को लेकर, जो इस टाइम के अंदर जो खेती बाड़ी होगी ना, जो खरीफ सीजन जो होगा उसके अंदर दोस्तों काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। आपको मालूम है ना, गर्मियों के टाइम जब खत्म होता है, बारिश स्टार्ट होती है, तब खरीफ सीजन स्टार्ट होता है, और सर्दियों के टाइम नवंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर क्या होता है, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर में आपके रबी सीजन आता है। ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा डैमेज है जो कि क्रॉप को देखने को मिल सकता है, और जो कॉटन और जो सोयाबीन के क्रॉप है उसको मेजर जो नुकसान है वो पहुंच सकता है। तो कई ठीक है, तो ऐसा अलीदाबाद के वहाँ पे ऑफिसर है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि आर्मी वॉर्म के बारे में पूछे कि ये क्या नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमने क्रॉप को डैमेज करता है। ठीक है, और मेज जो है वो कब से, अगर 50 mm तक उसके ऊपर बारिश नहीं आती रेजिन सीजन के ऊपर, तो वो कभी भी सौ नहीं हो सकता, और पहले ही अगर उसके जो बीज है उसको पहले नुकसान पहुंच जाए तो काफ़ी उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके एरिया कौन सा है, आदिलाबाद तेलंगाना का जो एरिया है उस एरिया के अंदर ये काफ़ी एक्टिव है, आर्मी वॉर्म इसको नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं पेज नंबर सात की बात करें तो यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से काफ़ी डेथ हो रही है यहाँ पे बताया गया है, और इसके अलावा ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि भारतीय फिल्म मेकर है जो कि मुजफ्फर रहमान के ऊपर एक मूवी बना रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक तो प्रसार भारती जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, वो क्या कर रहे हैं, को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फिल्म जो कि डायरेक्टेड बाय द श्याम बेनेगल, ठीक है, ऑन द लाइफ ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द बांग्लादेश शेख मुजफ्फर रहमान, एक डॉक्यूमेंट्री जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के ऊपर बनाई जा रही है, ठीक है। तो डिसीजन जो है वो बांग्लादेश के डेलीगेशन ने यहाँ पे रिसेंटली लिया था, जो कि एडवाइजर थे बांग्लादेश की पीएम के, गौहर रिजवी उनका नाम था। तो बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया जो है शहीद मुजरीन अली, उन्होंने भी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी और बताया गया है। और पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है कि बंगा बंधु किसको कहते थे, तो शेख मुजफ्फर रहमान जिन्होंने काफ़ी काम किया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर 71 के अंदर, ठीक है, तो उनको कहते थे। उनके नाम से अभी कुछ टाइम पहले सेटेलाइट भी छोड़ी गई थी बंगा बंधु के नाम से, है ना। तो ये सब भी बात है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मूवी जो है वो श्याम बेनेगल है जो कि डायरेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट जो है वो अतुल तिवारी है जो कि इसके प्रेजेंट करेंगे, और ये अनाउंसमेंट जो है 3 ईयर डेलीगेशन के साथ में 2 कंट्री के बीच में किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे दोस्तों किसके ऊपर जो है मूवी जो है प्रसार भारती लेके आ रहा है जो कि डायरेक्टेड करी जाएगी श्याम बेनेगल के द्वारा, तो ये सब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्याम बेनेगल आपको मालूम है दोस्तों, बहुत ही फेमस अपने एक इंडियन डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है, ओके। पिछले काफ़ी सालों से जो है वो बॉलीवुड के अंदर एक्टिव है, मतलब नियर बाय 80 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी श्याम बेनेगल का जो एंथुजियाज़म है वो अभी भी वैसा वैसा ही है। बहुत टाइम से, मतलब 70 से जो है ये पिक्चर बना रहे हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऐसे कई सारे जो अवार्ड्स हैं जो कि उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वो जो मूवी है वो बनाने वाले हैं, कई सारी मूवीज़ के लिए उनको नेशनल अवार्ड से भी कॉन्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पेज नंबर 12, यहाँ पे देखिए इनके बारे में मैं आपको बता रहा था फ्रंट पेज के ऊपर, रिपोर्टर्स को लेकर जिनको म्यांमार की जेल से फ्री कर दिया गया है। तो पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट है जिनको रिलीज किया गया है प्रेसिडेंशियल एमनेस्टी के द्वारा, प्रिजनर्स को अभी रिलीज किया गया था उसमें से ये दोनों भी है, ठीक है। काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक जेल में रहे, 500 दिन यार जेल में रहने के बाद में कोई बाहर आएगा तो खुशी समझ सकते हो ना आप, ठीक है। तो और किस लिए इनको सजा हुई थी, कोई मतलब इन्होंने क्या रोहिंग्या मुस्लिम की जो प्रॉब्लम थी उनको यहाँ पे कवर अप किया था, तो इसको लेकर जो है इनको जेल में डाल दिया गया था। तो काफ़ी टाइम तक जेल में रहने के बाद में फाइनली जो है इनको बाहर निकाला गया। और प्रेसिडेंट जो विन मिंट, प्रेसिडेंट कौन है म्यांमार के, विन मिंट, उन्होंने कई सारे प्रिजनर्स को माफ़ी दी थी अभी यहाँ पे एमनेस्टी के द्वारा, और उसमें से इन दोनों को भी यहाँ पे दे दी गई है। पेपर में पूछेंगे, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर काफ़ी आए हैं ये लोग, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे BBC हो, हर जगह पे इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप जो है, सबसे बड़ा रिफ्यूजी जो है वो बताया गया अभी तक का, नियर बाय 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश छोड़कर, बांग्लादेश में और इंडिया के कोने के जो बॉर्डर है वहाँ पे चले गए थे म्यांमार को छोड़ के, ठीक है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 17 की बात करें, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, जो कि किसके ऊपर है, ट्रंप के ऊपर, ट्रंप और यहाँ पे कौन है, टाइगर वुड्स। 14 साल बाद में वापस से कमबैक किया टाइगर वुड्स ने और दिखा दिया कि वापस से गोल्फ की दुनिया के अंदर नंबर वन यही है। तो 14 साल बाद इन्होंने एक बहुत ही बड़ी अभी मेजर विक्ट्री जो है आपको मालूम है यहाँ पे इन्होंने लिया था, और टाइगर वुड्स को यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इनकी बात करें तो ये 4th गोल्फर है यार अपने करियर के अंदर जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है, और सबसे यंगेस्ट भी है गोल्फर्स के अंदर जो है, सबसे यंगेस्ट भी। बाकी 3 का नाम याद करने का कोई मतलब नहीं है, ना कभी आपने सुना होगा ना किसी और ने सुना होगा। टाइगर वुड्स ध्यान रखिए पेपर के अंदर यही पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा तो, सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वहाँ का। आगे बात करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे की, जो कि 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो अस्थमा की बात करें तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया अवेयरनेस को इंक्रीज करने को लेकर, हर साल जो है 1st ट्यूजडे ऑफ मे को इसको मनाया जाता है, 1st ट्यूजडे ऑफ मे को, ठीक है। और के कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में करने को लेकर इस साल की जो थीम है वो क्या है, स्टॉप फॉर अस्थमा, ये इस साल की थीम है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अस्थमा के बारे में आपको मालूम ही है अस्थमा क्या है, ठीक है, जो कई सारे अपने
रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है, अपने जो सांस लेने की जो तकलीफ होती है वो नॉर्मली जो है अस्थमा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ओके तो जो अपने एयर वेज होते हैं उसके अंदर जो है म्यूकस का फिल होने की वजह से जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. ओके और उसके बाद में क्या हो जाता है, नैरो हो जाती है आपके एयर वेज के लिए जो आपके ठीक है जो जो आपके एरिया है, और उसके बाद में आपको डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेथ लेने को लेकर. ओके चलिए आगे बात करते हैं. और डेली एक्टिविटीज़ में बेटर में करने को लेकर ऑक्सीजन को बेटर तरीके से रनिंग और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ से इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है. आगे बात करते हैं जो कि है G7 को लेकर. इंडिया ने G7 का जो मीट है वो अटेंड किया है फ्रांस के अंदर. तो इंडिया टू अटेंड G7 मीट इन फ्रांस, बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, पेपर के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G7 यार पहली बात तो दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है वही G7 के अंदर इंक्लूडेड है. ठीक है, और G7 की मीटिंग को अटेंड करना भी एक बड़ी ही बात है जो कि मानी जाती है. G7 ग्रुप की बात करें तो US, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी सारे बड़े बड़े कंट्रीज है. तो इंडिया जो है ग्रुप 7 की मीटिंग को फ्रांस के अंदर जो है अटेंड करने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड साउथ अफ्रीका. ओके ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. और दुनिया का नियर बाय टोटल वेल्थ की बात करूं तो अगर ये कंट्रीज की बात करें तो नियर बाय 58-60% टोटल वेल्थ जो है वो G7 कंट्रीज के पास में ही है. चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया खुद का ब्लॉकचेन बेस्ड सर्विस करिए, जिससे मैनेजमेंट हो गया इनका टेक्नोलॉजी को लेकर, बाकी कामों को लेकर, ठीक है, लॉजिस्टिक को लेकर काफ़ी सिंपल ये बनाया जा रहा है उसको. और क्या नाम दिया गया उसको, अजोर ब्लॉकचेन सर्विस है जो कि इसको नाम दिया गया है. क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा और उन्होंने इसको अभी रिसेंटली अनवील किया है. ओके ये क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कोई भी काम करने को लेकर, कोई भी वर्क फ्लो लॉजिक को लेकर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, ये सब चीज़ों को लेकर. चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि SBI कार्ड ने रेज किया है 700 करोड़ रुपये. कहाँ से, बैंक से. तो SBI कार्ड ने क्या किया है, 700 करोड़ रुपए जो कि डिफरेंट बैंक से जो है वो रेज करे हैं, कई सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से इन्होंने रेज करे हैं. और इसकी बात करें तो SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज जो है उन्होंने इससे पहले भी 100 करोड़ रुपए ICICI सिक्योरिटी से किया, 250 करोड़ रुपए SBI से किया, 50 करोड़ रुपए कैनरा, ऐसे डिफरेंट बैंकों से किया. आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो ही आपको याद करना है SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज ने पानी को जो है वो रेस किया है, 700 करोड़ को रेस किया है. इसके अलावा आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. साथ में बात करते हैं फॉर्मर बिलियर्ड्स प्लेयर जो कि है डायरेक्ट सिप्पी, उनका रिसेंटली निधन हो गया है. काफ़ी बड़े प्लेयर रह चुके हैं डायरेक्ट सिप्पी, अपने टाइम पे अंडर 19 के जो बच्चे हैं, अंडर 21 के जो बच्चे हैं इंडियन टीम के, उनको भी उन्होंने काफ़ी कोच किया है. ओके और एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं डायरेक्ट सिप्पी, तो मुंबई में इनकी डेथ हो गई है. ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो कि है आपके शाहिद अफरीदी को लेकर. शाहिद अफरीदी आप सभी जानते ही हैं, शाहिद अफरीदी एक ऐसे प्लेयर जो कि काफ़ी सीनियर होने के बाद में भी हमेशा नोविस रहे अपने करियर के अंदर, कभी भी मैच्योरिटी वाला इन्होंने अपना लेवल नहीं दिखाया. और जब ये दुनिया से रिटायरमेंट जब इन्होंने लिया तो पूरी दुनिया को फ़र्क भी नहीं पड़ा, मतलब नियर बाय 20 साल से भी ज़्यादा का करियर होने के बाद में भी पूरी दुनिया को इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि शाहिद अफरीदी ने रिटायरमेंट ले लिया. तो फाइनली जो है जैसे कि हर आदमी करता है, तो शाहिद अफरीदी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो रिलीज़ करी है गेम चेंजर नाम से. गेम चेंजर, हालांकि गेम तो चेंज उन्होंने कोई इक्का दुक्का ही करे होंगे, लेकिन नाम जो है ऑटोबायोग्राफी की वो गेम चेंजर रखा है. ठीक है, आए थे बैट्समैन के तौर पे, वो गए जो है वो बॉलर के तौर पे. और काफ़ी सारी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी है जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली बताई है कि मैं 16 साल का जब मैंने पहली हाफ सेंचुरी मारी थी जो कि रिकॉर्ड बुक के अंदर है, तो वो बताया खुद नहीं कि मैं 16 का नहीं था, मैं 21 का था उस टाइम पे. ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बातें जो है दूसरों के बारे में बताते हैं तो समझ में आता है, तो खुद के बारे में बता के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली और काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है इनको झेलना पड़ा. बताना होता तो पहले बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जब उस टाइम पे रिकॉर्ड्स बन रहे थे उस टाइम पे. ठीक है, तो ये गेम चेंजर आपके बारे में आपकी किताब जो ये किताब है ये आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा रिसेंटली अगर पिछले 6 महीने साल भर की बात करें तो और भी कई सारी ऑटोबायोग्राफीज आई है, जैसे कि नो स्पिन करके है, नो स्पिन जो है वो किसकी है, शेन वॉन की है, 281 एंड बियॉन्ड है जो कि अपने VVS लक्ष्मण जो है, ठीक है, उनके करियर की सबसे यादगार पारी और दो चार ही पारियाँ थी उसमें से सबसे ज़बरदस्त यही थी 281 एंड बियॉन्ड. ओके तो ये VVS लक्ष्मण की थी. और तो ये दो चार किताब है जो कि रिसेंटली अपने स्पोर्ट्स आई थी. माइकल क्लार्क की भी एक किताब आई थी, वो उसका जो नाम था वो मुझे याद नहीं आ रहा, माइकल क्लार्क का भी था. ठीक है, माइकल क्लार्क की भी कुछ टाइम पहले आई थी. तो ऐसे 3-4 किताबें स्पोर्ट्स से जो कि आपको याद रखनी है. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो कि है
आज हम जानने वाले किसके बारे में, लिस्टन टाइम के बारे में। लिस्टन टाइम के बारे में पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं वैसे, और आज हम जानने वाले हैं। वापस से आप देख सकते हो यार, छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, देखिए यहाँ पे बीच में, ठीक है, जस्ट इटली के जो है ऊपर वाले एरिया के अंदर, ठीक है। ये देख सकते हो आप, बॉर्डर की बात करें तो ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और नीचे की तरफ इटली, और बीच में एक छोटा सा देश है लिस्टनटाइन। और मैंने आपको पहले बताया था एक बार स्नूप डॉग ने पूरा देश है जो कि रेंट पे लेने के लिए तैयार हो गया था, वो एक अपना वीडियो को शूट करने को लेकर, और रेंट पे देने को भी तैयार हो गए थे देश के लोग, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चिल सीन है। बस ये कि उन्होंने पहले नोटिस नहीं दिया कुछ टाइम पहले, इसकी वजह से उनको रेंट के ऊपर देश मिला नहीं, वरना मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं उनको, है ना। कैपिटल की बात करें तो वेडिस यहाँ की कैपिटल है, ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, करेंसी स्विस फ्रैंक, प्रिंस यहाँ पे एडम सेकंड, रिजेंट एलियोस, प्राइम मिनिस्टर एड्रेन, नेशनल बर्ड है कैस्ट्रियल। बाउंड्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड है वेस्टर्न साइड के ऊपर, ऑस्ट्रिया है ईस्टर्न साइड के ऊपर, नीचे की तरफ इटली है, ठीक है। तो ये सारे देश हैं। आगे बात करते हैं जो कि जर्मन स्पीकिंग कंट्री है, एकमात्र ऐसा देश है जो कि जिसका जर्मनी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन फिर भी यहाँ पे जर्मनी बोली जाती है, समझिए। हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन जो है दुनिया के अंदर इसी का ही है, अगर से देखा जाए तो। बिलियनेयर्स के लिए टैक्स हेवन भी माना जाता है, और इसके अलावा बात करें, ठीक है, और डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसे कि मतलब डबल साइडेड, दूर दूर तक जो है इसके लैंड से कनेक्टेड है। नेशनल एंथम जो है वो काफ़ी सिमिलर है यूके के, एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है, यूरोप का फोर्थ स्मॉलेस्ट कंट्री है, 160 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, ठीक है। आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था पहले कि ये एक ऐसा देश है एकमात्र जहाँ पे कोई दरवाजे जो है ना अपने दरवाजे के ऊपर लॉक नहीं लगाता है बाहर जाने से पहले। पिछले 10 सालों के अंदर कोई क्राइम नहीं हुआ है, कोई मर्डर नहीं हुआ है, किसी भी तरह से पुलिस ने लोगों को किसी को पकड़ा नहीं है, बढ़िया सीन है, ठीक है। अंदर से लगा लो, बाहर से किसी को भी जाता है तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे लॉक वॉक लगाने का, चोरी चकारी कुछ नहीं होती है। अपने यहाँ पे जो है चार लॉक लगा लो फिर भी चारों तोड़ के जो है वो ले जाने वाले को लेके ही चल जाता है वो। स्मॉलेस्ट जर्मन स्पीकिंग कंट्री मैंने आपको बता ही दिया है, और बॉर्डर से पूरे बॉर्डर से कनेक्टेड है कई सारे देशों से, मैंने आपको बता दिया। मेजर एक्सपोर्टर है फॉल्स टीथ का, जो नकली टीथ होते हैं उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया के सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यही है। और इसका मेजर मार्केट पता है कौन सा है, इंडिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्नूप डॉग ने एक बार कोशिश करी थी पूरे देश को रेंट के ऊपर लेने को लेकर, इनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था बस, लेकिन पहले इनफ नोटिस नहीं देने की वजह से इसको अलाउ नहीं किया गया। आगे बात करते हैं, आप देखते हैं फन फैक्ट विथ वाई फाई स्टडी। ये इमेज आपने देखी होगी दोस्तों, काफ़ी फेमस इमेज है, फेमस जर्ग, एक फेमस अफगान गर्ल थी, ओके, जो कि कई सारे मैगजीन के कवर के ऊपर आंखों की वजह से जो है वो काफ़ी फेमस हो गई थी। द फेमस अफगान गर्ल फ्रॉम द नेशनल ज्योग्राफिक वॉज फाउंड इन 2002 थैंक्स टू इट्स इरिश रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो मतलब ये इतनी फेमस हुई दुनिया के अंदर अपने नेशनल ज्योग्राफिक ने ये पिक जो है वो रिलीज करी थी, ठीक है। तो उसके बाद में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई और दुनिया जो है हर देश जो है इनको ढूंढने में के अंदर लग गया, और फाइनली जो इरिश रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है आंखों से जो है पता किया गया कि ये कौन है, और फाइनली जो है वो ढूंढ भी निकाला गया कि ये कौन है, ठीक है। तो बाद में पता लगा ये अफगानिस्तान के अंदर एक एरिया था काबुल के पास में, वहां से पाई जाती है, ओके। तो इस तरीके से आंखों से भी जो है वो किसी की पहचान जो है वो करी जा सकती है, इरिस सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। चलिए देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं। पहला है, विश्व अस्थमा दिवस 2019 कब मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मई 2019 में SBI कार्ड ने अपने मूल भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न भारतीय संस्थानों से ₹10 करोड़ लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्मित पहला विमान वाहक है। गेम चेंजर निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। किस संस्था ने हाल ही में 50% VVPAT सत्यापन के लिए 21 विपक्षी दलों द्वारा याचिका खारिज करी। चुनाव आयोग ने निम्नलिखित राज्यों में से किस में आदर्श आचार संहिता में छूट दे दी है। कौन सा बैंक 3 पायदान खिसक कर सबसे मूल्यवान बैंक के रूप में
10वें स्थान पर आ गया है। इंडोनेशिया से उत्पाद का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत सरकार द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायक जिन्हें गोला बारूद की पहाड़ी पर सम्मान की दीवार पर एक पट्टिका से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण, करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियोस मिलते रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो आज शाम 5 बजे से दोस्तों आपका टेस्ट, जो पहला टेस्ट है आपका आरआरबी जेई का, वो स्टार्ट हो रहा है वाईफाई स्टडी का अन अकेडमी के ऊपर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वाईफाई स्टडी की जो टेस्ट सीरीज है आरआरबी जेई की वो नहीं ली है तो ले लीजिए, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के द्वारा अन अकेडमी डाउनलोड करके प्लस में जाकर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्लस पहले डाउनलोड कर लीजिए अन अकेडमी लर्नर ऐप, उसके बाद में नीचे प्लस में जाइए, प्लस में जाने के बाद में ऊपर रेलवे सेलेक्ट करें, रेलवे सेलेक्ट करने के बाद में सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाए, सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाने के बाद में 1 महीना 3 महीने 6 महीने का आपके पास ऑप्शन आएगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो 1 महीना ले लो, अदरवाइज बाकी का ऑप्शन ले सकते हो। वाईफाई स्टडी कूपन कोड लगा दीजिए, कूपन कोड ही वाईफाई स्टडी है, बस आपको वाईफाई स्टडी लिखना है, उसके अंदर लिखते ही 10% आपको अप्लाई करते ही 10% ऑफ हो जाएगा और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आज शाम 5 बजे पहला टेस्ट है तो आज शाम 5 बजे आप टेस्ट को दे सकते हैं और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट है तो सीजीएल के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो सीजीएल की भी टेस्ट सीरीज आप सेम तरीके से ले सकते हो, बस रेलवे की जगह आपको एसएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। वापस मिलते हैं 5-10 मिनट बाद में वोकैबुलरी क्लास के अंदर। थैंक यू।